घर चलो अभियान के तहत बेसा क्षेत्र में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बेसा क्षेत्र की समस्याओं पर पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि बीते 15 सालों में बेसा गांव से एक छोटा शहर बन चुका है। कुछ समस्याएं अभी भी यहां पर है जिसके लिए यहां 40 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है जिससे जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पहले अगर देखे गूगल मैप तो बेसा ये बड़ा गाँव था, अब एक छोटा शहर बन गया है। यह पानी नहीं था, 250 करोड़ खर्चा करके पानी लाया गया है। ये NMRDA में था, अभी इसको सेपरेट नगर पालिका की गई। आप किसी को पुराने 15 साल घर में कहीं जाएंगे तो वो कहेगा कि हमने कभी ऐसा बेसा सोचा नहीं था। नए जो लोग आए उनको लगता है कि बेसा में कुछ कमियां हैं। हाँ, कमियां हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे विधायक या टेकचंद सावरकर जी अभी बेसा में और 40 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। अभी बेसा में जो हर घर में 120 रुपए पर स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट चार्ज लगने वाला था, हर घर को 120 रुपए स्क्वायर फीट, वो कम कर दिया गया। हर परिवार का कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का फायदा हुआ। NMRDA में अगर होते, NMRDA में अगर नहीं, डेवलपमेंट के काम चल ही रहे, लेकिन जिस प्रकार से 15 साल में बेसा बदला हुआ है, जो बचे हुए हैं वो तुरंत करने का प्रयास है। अब अभी अभी नगर पालिका बनी है, NMRDA में था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी नगर पालिका बनाई है, तो नगराध्यक्ष का चुनाव होगा, चुनाव भी होने का है यहाँ का। तो मुझे लगता है कि 2024 के पहले थोड़ा सा और सरकार पैसा देगी और लोगों को राहत देगी। बेसा बेलतरोड़ी नगर पालिका के विकास हेतु डंपिंग यार्ड की व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक है, जिसके चलते डंपिंग यार्ड के विषय में बोलते हुए बावनकुले ने जानकारी दी कि ये डंपिंग यार्ड का कार्य नगर पालिका की नई कार्यकारिणी के निर्वाचन के बाद किया जाएगा। साथ ही साथ विकास योजना के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुनिश्चित विकास योजना के तहत बेसा बेलतरोड़ी 40 साल तक कैसा देखेगा, ये सब इस प्लान में रहेगा। डंपिंग यार्ड की जगह जब नगर पालिका की बॉडी आ जाएगी तो जगह डिसाइड करके कहाँ डंपिंग यार्ड करना है। डंपिंग यार्ड की जगह का एक DP प्लान बनाना पड़ता है, डेवलपमेंट प्लान। अब बेसा बेलतरोड़ी नगर पालिका का जो डेवलपमेंट प्लान बनेगा, यानी बेसा बेलतरोड़ी 40 साल बाद कैसी होगी, कोई भी नगर पालिका जब बनती है तो 40 साल के बाद का विचार करके उसका प्लान बनाती है। वो प्लान आने वाली बॉडी फिक्स करेगी, डेवलपमेंट प्लान। हर नगर पालिका को अपना डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है, उसकी तैयारी चालू कर दिए। उसके लिए एक एजेंसी, जैसा महादुला में आप देखे, मऊदा में आप देखे, वहाँ DP प्लान हो गया है। तो बेसा बेलतरोड़ी का डेवलपमेंट प्लान का काम चालू हो गया है। उसमें जो जगह दिखाई गई डेवलपमेंट प्लान के लिए, हो सकता है कोई जगह एक्वायर करना पड़ेगा, हो सकता है कि थोड़ा बेसा बेलतरोड़ी के बाहर पिपला घोगली में जगह लेनी पड़ेगी, लेकिन 40 साल के लिए आने वाले जनता जो बढ़ेगी 40 साल में, वो अंदाज लेकर डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा, उसका DP प्लान का काम चल रहा है। NBC न्यूज़ के राजकुमार बोर्ड के साथ अक्षा अंसारी और मनीष टेमरे की रिपोर्ट।